हम है रूपेर बंदर पे, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि तकरीबन 120 लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और इन्हें यहाँ से छुड़ाया जा रहा है। एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, यहाँ से इवैक्यूएट करने में लगे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, इनको लगातार हाथ से पकड़ के यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ के जो जवान है वो हम देख रहे हैं कि जान की बाजी लगाकर यहाँ पे बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं। छोटे बच्चों को ये जवान यहाँ से अपनी गोदी में उठाकर बाहर लेके जा रहे हैं। 100 से 120 लोग यहाँ पे इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिन्हें यहाँ से सुरक्षित स्थल पे हिलाया जा रहा है। अगर हम देखें तो गुजरात में कई तटीय इलाकों पे इस तरीके से पानी भर जा रहा है और इसके मद्देनजर रखते हुए कि कोई भी लोग इसमें ना फंस जाए, इसलिए एनडीआरएफ की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि लोगों को बाहर निकाला जाए। हम अभी लाइव एक रेस्क्यू ऑपरेशन में हैं, जहां पे हम देख रहे हैं कि एनडीआरएफ के जवान यहाँ से लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो रहे हैं। छोटे बच्चे भी यहाँ पे जो फंसे पड़े थे उनको धीरे धीरे बाहर निकाला जा रहा है। बिपरजॉय का जो इम्पैक्ट है वो लगातार हमें बढ़ता ही दिखाई दे रहा है, चाहे बारिश हो चाहे लगातार हवाओं की रफ्तार हो, वो बढ़ ही रही है। अभी भी यहाँ पे जो प्रभाव है बारिश का वो कम नहीं हुआ है। ऐसे में हम आपके लिए यहाँ से लाइव विजुअल्स ला रहे हैं, जहाँ पे पहुँचना भी काफी मुश्किल है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि वे घर पे ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। और यहाँ पे जो लोग ऐसे बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, फंस गए हैं, उन्हें लगातार बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश सापरे के साथ विनया देशपांडे, रुपेर बंदर से।